हेलो माय स्टाइलिश फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और यूनिक रेसिपी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 200 ग्राम पनीर ले लिया है, इसे इस तरह से रेक्टेंगल्स में कट कर लिया है और अब इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट मीन्स अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, 1 टीस्पून बटर, पर बटर को नॉर्मल टेम्परेचर पर कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह का सॉफ्ट हो जाना चाहिए। 1 टीस्पून मैदा, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है महीन पिसा हुआ चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे, बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा, नहीं तो अगर आपके पास में सिलिकॉन स्पैचुला है तो उससे कर लीजिएगा, नहीं तो पनीर टूट सकता है। सभी इंग्रेडिएंट इसमें मिल जाने चाहिए, या तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए ये मिक्स हो गया है, अगर आपको लग रहा है किसी पनीर में नहीं लगा है तो आप हाथ से इस तरह से लगा सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून विनेगर, 1/2 टीस्पून सोया सॉस डाल देंगे और अब इसे चला लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से ही चलाइएगा। ये जितनी भी क्वांटिटी बताई है मैंने 200 ग्राम पनीर के लिए बताई है और अब इसे आपको फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। आधा कप पानी ले लेंगे, इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह से आलू के चिप्स तैयार कर लिए हैं, थोड़ा बड़े साइज़ का आलू है, ऐसे ही आलू लेना है और इसे आप कॉर्नफ्लोर वाले पानी में डाल देंगे। आपके जितने पनीर के पीस हैं उतने ही पीस रेडी कीजिएगा और इसे भी 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए। आप लोग ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए और रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 20 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से सेट हो गया है और अब कॉर्नफ्लोर वाले बैटर में से एक एक आलू का चिप्स निकालते जाएंगे। एक्स्ट्रा पानी इस तरह से निकाल दीजिए और यहाँ पे मैंने कुछ टूथपिक्स ले लिए हैं, इस तरह से इसमें रखेंगे और इसे फोल्ड कर देंगे और इसमें टूथपिक को लगाते जाएंगे। इसी तरह से सभी तैयार कर लेंगे। मैं इसे पनीर के साथ बना रही हूँ, आप चाहे तो टोफू के साथ भी बना सकते हैं। आप इतनी प्रोसेस करके रख लीजिए और फटाफट तलते जाइए और सर्व करते जाइए। ये देखिए ये सभी तैयार हो गए हैं। तेल मैंने यहाँ पे गरम होने के लिए रख दिया है, तेल को अच्छे से गरम कर लेना है, फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। फिर इस तरह से एक उठाइए और तेल में डालते जाइए, पहले इस तरफ से डालेंगे हम, एक डालने के बाद में थोड़ा सा 15 से 20 सेकंड रुक जाइएगा और उसके बाद में दूसरा डाल देंगे। जितने कढ़ाई में आसानी से आए उतने ही डालने हैं, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम रहने देना है, इससे ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे और पनीर भी सॉफ्ट रहेगा। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो पनीर सॉफ्ट नहीं रह जाएगा। इसे पलट लेंगे, अगर ये तेल में डिप नहीं हुए हैं तभी पलटना है, नहीं तो पलटने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो चिप्स है आलू का वो क्रिस्पी हो गया है, निकाल लीजिए और पनीर तो ऑलरेडी कुक होता ही है, इतने देर में ये कुक हो जाएगा। इस तरह से साइड में रखिए, तेल निकल जाएगा एक्स्ट्रा और फिर इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। इसे पेपर टॉवल पे मत निकालिएगा, नहीं तो ये नीचे से सॉगी होने लगेंगे। इसी तरह से बाकी के भी तल लेंगे, इसे टोमेटो सॉस के साथ या फिर हरी चटनी के साथ सर्व कर दीजिए। रेस्टोरेंट में बिल्कुल ऐसे ही सर्व करते हैं। आप इसे बनाएं और फिर मुझे बताइए ये कैसे बने हैं। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, बाय बाय।